हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम नाउन एंड द केस का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के साथ हम अपोस्ट्रॉफी यस लगाकर या हटा करके उनके जो है पॉजेसिव बनाना सीखेंगे। यानी कि हम आज जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और फिर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब को हम पॉजेसिव बनाना सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये कौन कौन से हैं? आल, एनी, एनीवन, एनी, एनदर, एनीबॉडी, एनीथिंग, बोथ, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, लिटिल, मच, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, some, someone, somebody, something। ये टोटल जो है 20 हो रहे हैं, यानी कि जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन टोटल 20 हो रहे हैं। और इनमें से हम कुछ कुछ हट करके रूल हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, तो इनमें से जो है हम पहले देखेंगे कि हमारा रूल हो जाएगा कि अगर हमारे पास एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक, उसके बाद हमारे पास नो वन, नो बॉडी, उसके बाद हमारा सम वन, सम बॉडी, ये टोटल पहले हम क्या करेंगे, आठ के साथ हम डायरेक्ट अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके पॉजेसिव बनाएंगे। जैसे एनी वन, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, एवरी बॉडी, सम वन, सम बॉडी, ये टोटल आठ हुए। तो हमने कहा कि इनके साथ डायरेक्ट अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके पॉजेसिव बनाएंगे। ठीक, तब हम देखते हैं कि हमारे पास समवन हो गया, इनके साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके पॉजेसिव हमने बनाए और पॉजेशन दिखा दिया, और एवरीवन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हमने पॉजेसिव बनाया और इनका पॉजेशन दिखा दिया। द टीचर विल चेक एवरीवन नोटबुक, यहां भी हमने अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हमने पॉजेसिव बना लिया। ठीक, अब यहां देखते हैं कि एवरीबॉडी, यहां भी हम वही काम किए और पॉजेशन दिखा दिया, ई टू हेल्प द पुअर। अब यहां हम देखते हैं कि ही हैज स्टोलन समवनस पेन, अब यहां समवन हमारा इनके साथ जो अपोस्ट्रॉफी एस लगा करके पॉजेसिव हमने बना लिया। ठीक, अब देखते हैं कि ही लाइक्स नोबॉडी इल्स एडवाइस बट माइन, अब यहां देख रहे हैं कि इल्स, और ही विल टेक योर बुक्स नॉट समबॉडी इल्स, यहां भी ही परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबॉडी इल्स, यहां भी हमारा इल्स आ रहा है। यानी कि इन जो है हमारे पास जो है आठ, कौन कौन से, एनीवन, एनीवन डॉट 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 समबॉडी, ये टोटल आठ हुए। ठीक, अगर इनके बाद हमारा क्या आता है, इल्स आता है, तो इनका इनका पॉजेसिव बनाने के लिए, इनका पॉजेसिव बनाने के लिए अगर इन आठ वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, इल्स आता है, तो इनको पॉजेसिव बनाने के लिए हम इल्स में क्या करेंगे, केवल अपोस्ट्रॉफी यस ऐड कर देंगे। जैसे देखते हैं कि ही लाइक्स नोबॉडी इल्स, अब देख रहे हैं कि नोबॉडी आया, इनके बाद इल्स आया, तो हमने अपोस्ट्रॉफी यस यहां ऐड कर दिया, एडवाइस बट माइन। ही विल टेक योर बुक्स नॉट समबॉडी इल्स, अब यहां हमारे पास समबॉडी आ गया और इल्स आ गया, तो यहां हमने अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हमने बना लिया। हिज परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनीबॉडी, हमारा आ गया, इनके बाद इल्स आया, तो यहां हमने अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके पॉजेसिव बना लिया। ठीक, अब हम जो है इनको जो है हमने समझ लिया कि आठ जो है एनी वन, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, एवरी वन, एवरी बॉडी, सम वन, सम बॉडी, टोटल आठ पर हमने जो इंडेफिनिट प्रोनाउन पर हमने रूल पढ़ लिया। अब इनमें से जो है कुछ छाटेंगे, इनमें से फिर हम छाटेंगे कि हमारे पास जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, और हमारे पास नथिंग और समथिंग, ये टोटल जो है हमारे पास कितने हो रहे हैं, एनीथिंग और एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये टोटल चार हो रहे हैं। तो इन पर एक रूल पढ़ेंगे कि इनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, इनके साथ हम आठ लगा करके पॉजेसिव बना लेते हैं। जैसे देखते हैं डेफिनेट प्रोनाउन एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये जो है चार हुए, इसमें से हमने लिया
इनके साथ अपोस्ट्राफी यस नहीं आफ लगा करके पॉजेसिव बनाया जाता है, यानी कि हमने अपोस्ट्राफी यस नहीं आफ लगा करके बनाया जाता है। जैसे देखते हैं द कलर ऑफ नथिंग इज फास्ट, अब यहां हमारा नथिंग हो गया, इनके पहले हमने आप लगा लिया, द कलर ऑफ नथिंग इज फास्ट, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग हमने आप लगा करके बना रहे हैं इज शॉर्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज नॉट टेम्पररी, टेम्पररी मतलब होता है क्षणिक, शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, आप यहां देख रहे हैं नथिंग के साथ हमने आप लगा करके बना लिया, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग, तो इस तरह से जो है हम जो है अब हम देख रहे हैं टाइम टेम्पररी या फिर ट्रांजिटिव, दोनों मतलब होता है क्षणिक, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इनके साथ ये चार एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग समथिंग, इनके साथ हम अपोस्ट्राफी यस नहीं बल्कि आप लगा करके हम पॉजेसिव बना रहे हैं, और यहां हम देखते हैं इनमें से हमारे पास बच क्या रहा है, अब इनमें से यहां तो हमने ले लिया, अब देख रहे हैं कि यहां हमने एनीथिंग ले लिया, एवरीथिंग ले लिया और नथिंग ले लिया और समथिंग ले लिया, अब हमारे पास जो है बच क्या रहा है, आल बच रहा है, बोथ बच रहा है, ठीक, आल और बोथ बच रहा है, बाकी सब हमने ले लिया। अब हम देखते हैं कि आल और बोथ हमारा ये बता रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर हम मेनी की बात करें तो मेनी को हम ध्यान देंगे कि मेनी हमारा नाउन की तरह यूज हो सकता है, कहां फ्रेज में, ये हमारा नाउन की तरह फ्रेज में हो सकता है यूज, और फिर हमारा जो है प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है, फिर हमारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक, फिर हमारा जो है प्री डिटरमिनर की तरह यूज हो सकता है, या हमारे पास जो है डिटरमिनर की तरह भी यूज हो सकता है, या हमारे पास ये एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक। तो हमने कहा कि मेनी हमारा प्रोनाउन एडजेक्टिव नाउन फ्रेज के रूप में प्री डिटरमिनर और डिटरमिनर और एडवर्ब इन सब के जो है तरह हमारा जो है मेनी यूज हो सकता है, ठीक। अब बचता है हमारा ईच आइदर नाइदर, तो ईच आइदर नाइदर को हम जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जो आगे हम बताएंगे इनको डिटेल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, ठीक। तो हमने कहा कि इनके साथ अपोस्ट्राफी यस नहीं बल्कि आप लगा लेते हैं, ठीक, यहां भी हम देख रहे हैं इनके साथ भी हम अपोस्ट्राफी यस नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, इनके साथ भी हम आप लगा लेते हैं, अपोस्ट्राफी यस नहीं इनके साथ भी हम आप लगा लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि द प्राइज ऑफ ईच, आप हमने लगा लिया, इज हाई, द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन, अब हम देख रहे हैं कि बोथ हमारा इनके बाद भी हमने आप लगा लिया। तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास एनीथिंग एवरीथिंग नथिंग समथिंग आल बोथ मेनी ईच आइदर नाइदर इन सब के साथ अपोस्ट्राफी यस नहीं बल्कि आप लगा करके हम पॉजेसिव बनाते हैं। और भी हमारे पास एक रूल हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास दो नॉन लिविंग थिंग एक साथ आ रहे हैं तो उनको आप उनका जो है आप द्वारा जोड़ा जाता है, तो दोनों नॉन लिविंग थिंग के बीच से हम आपको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। हमने कहा कि अगर दो नॉन लिविंग थिंग एक साथ आ रहे हैं और उनके बीच आप आ रहा है तो आपको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, यानी कि दो नॉन लिविंग थिंग के बीच में हमारा आप नहीं आएगा। जैसे हमने कहा एक रूल कि हमारे पास दो नॉन लिविंग थिंग ठीक वन और इनके बीच अगर आप आ रहा है और एक दूसरा नॉन लिविंग थिंग ये जो होगा दूसरा हो गया ठीक, तो इनके बीच से हम करते क्या है आपको आप नहीं लगाते, यानी कि दो नॉन लिविंग थिंग के बीच में हम आपका यूज नहीं करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं
कि बर्थडे एक नॉन लिविंग थिंग और पार्टी, यानी कि दोनों के बीच में हम नहीं, यानी कि बर्थडे ऑफ पार्टी ये सब नहीं कहेंगे। यानी कि गोल्ड रिंग एक साथ आया, विंटर नाइट्स, घोस्ट स्टोरीज, स्ट्रीट लैम्प, किचन गार्डन, यानी इनके बीच हमने आप नहीं आया। अब एक चीज को हम ध्यान देंगे, जो हमने पहले बता चुके हैं सीजन के बारे में, हमने पहले बता चुके हैं कि अगर हमारे पास, हमने कहा था कि हमारे पास विंटर हो और समर हो, विंटर और समर इनके साथ अपोस्ट्राफी यस लगा करके पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था अ विंटर्स डे हमने लिया था, और एक लिया था अ समर अपोस्ट्राफी यस लगा करके डे, हमने ऐसे बनाया था। और एक बात हमने ये भी कहा था, इनको हम विदाउट अपोस्ट्राफी यस से भी लिख सकते हैं, जैसे अ विंटर डे, अ समर डे, ऐसे भी लिख सकते हैं अ समर डे। तो हमने जो है दो सीजन का ही चर्चा किया, और बाकी दो बच जाता है हमारे पास क्या, स्प्रिंग एंड ऑटम। हमने कहा था कि इनके साथ हम अपोस्ट्राफी यस नहीं लगाते हैं पॉजेसिव के लिए। जैसे अगर कोई कहे कि ऐसे लिखें अ स्प्रिंग्स, ठीक, यानी कि पॉजेसिव और आप दोनों ही नहीं यूज करते हैं इनके लिए। जैसे कह दें, इसे लिख दें कि अ स्प्रिंग्स डे, आटम, यानी कि बाबेल क्लस्टर हो जाएगा, आटम हो जाएगा, ए यू टी यू एम, यानी एस नहीं, ये नहीं लगाएंगे इंडिपेंडेंट, आटम डे। तो हमने कहा कि नहीं, इनके साथ हम आप लगाते हैं, ठीक, और न ही अपोस्ट्राफी यस लगाते हैं। तो ये अपने आप में ऐसे लिखना जो क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक। तो ये दोनों ही तरह से हमने कहा कि इनको अपोस्ट्राफी यस दोनों को लगा करके और विदाउट लिख सकते हैं, जबकि इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इनको जो है, अगर ये दूसरी बात कि अगर हमारे पास स्प्रिंग एंड समर हमने कहा था को हम यूज करते हैं किस तरह, यूज एज पर्सोनिफाइड थिंग की तरह ही हम यूज करते हैं, यानी कहने का मतलब निर्जीव को सजीव की तरह पेश करना, ठीक। तो इनके साथ हम अपोस्ट्राफी यस ऐड कर देते हैं। तो हम करते क्या है, अपोस्ट्राफी यस लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्प्रिंग अपोस्ट्राफी यस रिटर्न, यानी कि अब यहां देख रहे हैं कि ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि हमारे पास जब बसंत ऋतु आने की बात की जा रही है, यानी कि इसको जो है लिविंग थिंग की तरफ पेश कर दिया गया, इस वजह से सही हो गया। इसको भी हम लिख सकते हैं ऑटम रिटर्न, ठीक। तो ये जाकर के ये सही हुआ। तो इस तरह से जो हमने जो है इनमें जो है नोट, ये सेकेंड को हमने समझा। अब हम एक नोट थर्ड देखते हैं कि जैसे हमारे पास कंपाउंड नाउन के बारे में हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके साथ अपोस्ट्राफी यस और आप का यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से कंपाउंड नाउन हैं हम देखते हैं कि हमने कहा कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ अपोस्ट्राफी यस और आप का हम यूज नहीं करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, कोल माइनिंग, विंटर क्लोथ, वेटिंग लिस्ट, डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडिंग कार्ट, पिक्चर फ्रेम, कॉलेज लाइब्रेरी, गार्डन गेट, सिटी स्ट्रीट, स्ट्रीट मार्केट, समर हॉलीडे, संडे पेपर, डांस चरस, गोल्ड मेडल, सिल्क शर्ट, स्टील डोर, रोप लैडर, गैस फायर, पेट्रोल इंजन, आयल स्टोव,
चेस बोर्ड, टीन ओपनर, रीडिंग लैंप, स्केटिंग रिंक, नोटिस बोर्ड, फुटबॉल ग्राउंड, फिश फार्म, गोल्ड माइन। अब एक चीज हम जान लेते हैं, गोल्ड माइन, ठीक। तो गोल्ड माइन को हम, एक फिल्म बनी है इसी पर, केजीएफ। तो केजीएफ ये होता है कोलार गोल्ड फील्ड, इसी को हम माइन बोलते हैं, ठीक। गोल्ड माइन यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, इसी पर कोलार गोल्ड माइन, इसी को जो है फील्ड कहकर फिल्म बन गया, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक। तो गोल्ड माइन और आयल रेग, पॉप सिंगर, शिप फार्मिंग, फुटबॉल मैच, टेनिस टूर्नामेंट, कार रैली, हाउसिंग कमेटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, टी स्टैक, इनकम टैक्स, बस टिकट, ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स, फ्यूल बिल्स, लॉन्ड्री बिल, मिल्क बिल, टेलीफोन बिल। फिर हम देखते हैं एंट्री फीस, ठीक। अब हम देखते हैं कार इंश्योरेंस, पार्किंग फाइंस, वाटर रेट। अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी ऐसे बोलना हो, मर्डर स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, हेरर स्टोरी, स्पाई स्टोरी, यानी कि जो है हमने जितने हमने लिखा है, ये जो है स्पीकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद नहीं करना है, बस एक दो बार इसको जो है क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हम कंपाउंड नाउन में जो है अपोस्ट्रॉफी, यस और आपका यूज इनमें हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने कंपाउंड नाउन पर भी हमने जो है समझ लिया। अब जो है हम एक रूल आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक। सॉरी, ईच रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन एनदर होता है, यानी कि हमने कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन एनदर के साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पॉजेसिव बना सकते हैं। अगर रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की, तो पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम होता है। अब यहां हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हमने कहा कि ईच अदर वन एनदर होता है, ईच अदर वन एनदर, ईच अदर और वन एनदर, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और हमने कहा कि इनके साथ अपोस्ट्रॉफी यस, इनके साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पॉजेसिव बना लेते हैं, जैसे ईच अदर हैंड्स, वन एनदर्स बिहेवियर एसेट्रा। अब एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम एंड श्याम वर कैचिंग ईच अदर्स हैंड। अब यहाँ ईच अदर, इनमें अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके और पॉजेसन हमने दिखा लिया, और ये हमने पॉजेसिव। दे वर टचिंग वन एनदर बॉडी, वन एनदर। अब यहाँ देख रहे हैं ईच अदर, यहाँ हमारा वन एनदर, इनके साथ अपोस्ट्रॉफी यस और ने पॉजेसन दिखा दिया। तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन एनदर के साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा करके हम पॉजेसिव बना सकते हैं। तो हमने जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ लिया, उसके बाद जो है हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी पढ़ लिया। अब हमारा बचा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, इनके साथ जो है हम अपोस्ट्रॉफी यस पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को समझ लें। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, तो यह एक वर्ड होता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो अपने बाद आने वाले सेंटेंस को अपने पहले एंटीसीडेंट यानी कि नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेट करता है। तो हमने कहा कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन अ वर्ड विच रिलेट्स द नाउन या प्रोनाउन विच इज यूज बिफोर इट, यानी कि इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को इनके बाद आने वाले सेंटेंस से क्या करता है, रिलेट करता है। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, व्हाट होता है, ठीक। तो रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हिंदी बात करें, तो संबंधवाचक
संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे रिलेट करता है। अब हम देखते हैं कि यहां हमारा जो है प्रोनाउन हुआ, जो अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस में हो गया। और यहां देखते हैं वर्ब, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा आई नो करण हु केम लेट, यानी कि यहां जो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब यहां हम देख रहे हैं ये हमारे पास जो है किसका जवाब दे रहा है, हुम का, इस वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि हु ये रिलेट कर रहा है, केम लेट यानी किसके बारे में बता रहा है, ये करण के बारे में। करण को क्या कर रहा है, इस अपने बाद आने वाले सेंटेंस को, इस अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी कि नाउन या प्रोनाउन, हम लिख देते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये अपने आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमारा, हम जानते हैं कि हमारा कोई नाउन हो सकता है और कोई प्रोनाउन हो सकता है, तो यानी कि ये क्या हुआ, अपने से आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये जो है, यही हमारा जो है हु क्या है, इसमें यही हु हमारा जो क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव क्लाज, या रिलेटिव क्लाज कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया, आप दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यही कहा कि जो है अपने के बाद आने वाला को अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेट करता है। तो यही हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ या रिलेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव क्लाज। अब हम बात करेंगे रिलेटिव एडवर्ब की। तो इसको जो है ध्यान से सुनेंगे कि रिलेटिव वर्ड जो होता है दो सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, और यह कंजंक्शन की तरह यूज होता है और दोनों सेंटेंस के बीच में होता है। तीन बात हमने बता लिया। उसके बाद हम अपने, उसके बाद हम चौथी बात सुनेंगे कि रिलेटिव एडवर्ब जो होता है अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन या प्रोनाउन के टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर के बारे में बताता है। ठीक, हमने कहा, अब हम देख रहे हैं कि हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इसका हिंदी की बात करें तो इसका हो जाएगा संबंध क्रिया विशेषण होता है। जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास आई, आई हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। जैसे हमने कहा प्रोनाउन तो ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस में हुआ, ये हमारा जो है वर्ब हुआ। ठीक, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये व्हेन ही कम्स, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस को, अब ये भी हमारा टाइम। ठीक, यानी कि ये देख रहे हैं कि दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इस वजह से क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड, यहां हमारा क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है। अब हम एवरीवन वाज सरप्राइज, अब यहां हो हाउ ही रिएक्टेड, यहां भी हमारे पास क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ, यानी कि कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक, और तीसरी बात की, जो अपने के बाद अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन के जो है टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन के बारे में बता रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। अब हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब पर एक रूल, कि अगर हमारे पास रिलेटिव, अगर हमारे पास नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब आता है तो उस नाउन के साथ हम अपोस्ट्रॉफी यस यूज नहीं करते हैं, केवल आप का यूज करते हैं, यही रूल हम समझेंगे। देखते हैं, अगर हमारे नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स आता है, नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स आता है, तो इस नाउन के साथ
हम अपोस्ट्रॉफी यस और आप में से अपोस्ट्रॉफी यस यूज नहीं करते हैं, आप यूज करते हैं। हमने कहा कि अगर नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स आता है तो इस नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस यूज नहीं करते हैं, आप का यूज करते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं सेंटेंस, ही हैज रीड शेक्सपियर प्लेज हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। तो अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने ढूंढ लिया यहां, क्या हु हमारा ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। और यहां रिलेटिव प्रोनाउन के देख रहे हैं यहां पर नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है और ये हमारा जो है पोजेशन को बता रहा है। तो हमने यही कहा कि जो है नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाना है, आप का यूज करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रॉफी को हटाने के लिए हम रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके लिए हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रूल बनाने के लिए। जैसे देखते हैं इसको बनाते हैं, ही हैज रीड दोनों पढ़ सकते हैं, ही हैज रीड। अब हम ध्यान देंगे, पहले हम क्या करते हैं पोजेशन पहले लिखते हैं, ही हैज रीड द प्ले, आप द शेक्सपियर, ठीक। हमने बताया था पहले कि अगर नाउन के बाद, अगर हमारा नाउन के बाद आप आ रहा है, नाउन के बाद आप आ रहा है तो नाउन से पहले द अवश्य लगाते हैं, इस वजह से हमने द यहां लगा लिया। तो ही हैज रीड द प्ले ऑफ द शेक्सपियर, उसके बाद अब रिलेटिव प्रोनाउन हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, बाकी सब वैसा ही चलेगा, हु के बाद बाकी सब वैसा ही चलेगा। तो हाँ हो जाएगा सही, ही हैज रीड द प्ले ऑफ द शेक्सपियर हु इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश। इसी तरह से अब यहां भी देख रहे हैं इस सेंटेंस में, आई टूक अ कपल्स एडवाइस हुम, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। और यहां देख रहे हैं कि कपल्स नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी यस लगाकर यहां हमारा पोजेशन को बता रहा है, ठीक। तो अब ये जो है हमको हर हाल में क्या करना है, अपोस्ट्रॉफी यस को हटाना है और आपको लगाना है। तो इसका सही हो क्या जाएगा, जैसे देखते हैं कि आई टुक अ, ठीक नहीं, इसको ध्यान देंगे कि आई टुक हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा पोजेशन को लाएंगे, आई टुक द एडवाइस ऑफ अ कपल, ठीक, द उसके बाद आप ये नाउन के बीच में कपल, फिर यहां से अब आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हुम आई मेट ऑन द ट्रेन एंड हैड अ कार, बाकी सब वैसे चलेगा। तो इस तरह से जो है हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को जो है हमने समझा, ठीक। तो ये जो है हमारा आज का जो है नाउन एंड द केस जो है आज समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो है हम नाउन एंड द यूनिट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमने नाउन एंड द, हमने जो है नाउन में नंबर को पढ़ लिया, हमने जो है नाउन पढ़ लिया, और नाउन में ही नंबर होता है उसको भी पढ़ लिया, जेंडर होता है उसको भी पढ़ लिया, केस होता है वो भी हमने पढ़ लिया, और एक बचा है हमारे पास यूनिट, यानी कि नाउन के, नाउन अपने आप कितने भाई, नाउन जो है नाउन, नंबर, जेंडर, केस, यूनिट, नाउन पांच भाई होते हैं। ये कितने भाई हैं, पांच भाई हैं, जबकि अकेला नाउन के पांच लड़के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो ये जो है हमने नाउन, नंबर, जेंडर, केस पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट को पढ़ेंगे। लगभग जो है हमारा जो है 50 वीडियो में नाउन कंप्लीट होगा, जो सभी जो पहली बार जो है इंग्लिश पढ़े वो भी सीख सके, और जो पहले से पढ़ता है वो भी तो सीख ही सकता है। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।